देखो मेरा, मेरा ख्याल है बाकी तो पार्टी हाईकमान ने डिसाइड करना है सारे हिंदुस्तान में जो मोदी जी के रथ को रोकना चाहते हैं उसमें पहचान नंबर वन राहुल जी की है और सभी की यह डिमांड है ही शुड टेक अ मेजर रोल नाउ बिकॉज इसी के साथ ही कांग्रेस आते टाइम में आगे बढ़ेगी तो वी मस्ट ही मस्ट बी सीन एज अल्टरनेटिव टू मिस्टर मोदी एंड इट इज आई फील इट इज द राइट अपर्चुनिटी टू बिकम द लीडर ऑफ द अपोजिशन सर अब लगातार ये भी है कि इस बार एन को कांग्रेस के तमाम नेता ये कह रहे हैं नीतीश नायडू डेवलपमेंट अलायंस है एक निर्भरता है गठबंधन नहीं मिला है कल प्रधानमंत्री लेकिन ये दावा कर रहे थे कि अब तक का सबसे सफल गठबंधन है हमारा देखिए एक बात समझ लीजिए प्रधानमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज कमजोर थी सारी स्पीच में ना तो अपना नाम लिया ना भाजपा का नाम लिया यह पहली दफा हुआ एन का नाम लिया मगर मैं समझता हूँ कि अगले साल जो तीन स्टेट्स मेजर स्टेट्स इलेक्शन में जा रही हैं जिसमें हरियाणा झारखंड और महाराष्ट्र है अगर इसमें से दो स्टेट्स भी ये हार के बीजेपी वाले तो ये अलायंस ज़्यादा लंबा फिर चल नहीं पाएगा सर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कहा कि हम हमें भितरघात हुआ है और हमारा आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा आप मानते हैं कि जो पंजाब में परिणाम आए हैं वो इसीलिए आए क्योंकि वहाँ गठबंधन नहीं था देखो मैं समझता तो, हूँ टेक्टिकली हमने गलती की पंजाब ने हमने पहले इनको प्री वॉर्न कर दिया था कि वी शुड नॉट टच आप इवन विदार्ज पोर्ट वी हैव सक्सीडेड हम सात जीते आप तीन पर आ गए या तेरह जीरो की बात इनका चीफ मिनिस्टर करता था अगर दिल्ली में भी हम ना इनके साथ समझौता करते मिनिमम दिल्ली में तीन से चार सीट हमें आती क्योंकि आप देखिए सराउंडिंग स्टेट्स जो हैं दिल्ली की राजस्थान में 25 में से 11-12 हम ले गए यूपी में तरतालीस ले गए अस्सी और हरियाणा में पांच सीट हम ले गए और मैं समझता हूँ हरियाणा की भी एक कुरुक्षेत्र की सीट हमें आ जाती तो मैं समझता तो हूँ ये अच्छा ही हुआ ये इनके साथ क्योंकि इनका और हमारा वोट बैंक एक और इनका हमें नुकसान ही हुआ फायदा कुछ नहीं किया दिल्ली के लोगों ने बेसिकली केजरीवाल को रिजेक्ट किया कांग्रेस को नहीं किया तो दिस वी हैव आल्सो रियलाइज्ड देखो मेरा, मेरा ख्याल है बाकी तो पार्टी हाईकमांड ने डिसाइड करना है सारे हिंदुस्तान में जो मोदी जी के रथ को रोकना चाहते हैं उसमें पहचान नंबर वन राहुल जी की है और सभी की ये डिमांड है ही शुड टेक अ मेजर रोल नाउ बिकॉज इसी के साथ ही कांग्रेस आते टाइम में आगे बढ़े तो वी मस्ट ही मस्ट बी सीन एज अल्टरनेटिव टू मिस्टर मोदी एंड इट इज आई फील इट इज द राइट अपॉर्चुनिटी टू बिकम द लीडर ऑफ द अपोजिशन सर अब लगातार ये भी है कि इस बार एनडीए को कांग्रेस के तमाम नेता ये कह रहे हैं नीतीश नायडू डेवलपमेंट अलायंस है एक निर्भरता है गठबंधन नहीं मिला है कल प्रधानमंत्री लेकिन ये दावा कर रहे थे कि अब तक का सबसे सफल गठबंधन है हमारा देखिए एक बात समझ लीजिए प्रधानमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज कमजोर थी सारी स्पीच में ना तो अपना नाम लिया ना भाजपा का नाम लिया यह पहली दफा हुआ एनडीए का नाम लिया मगर मैं समझता हूं कि अगले साल जो तीन स्टेट्स मेजर स्टेट्स इलेक्शंस में जा रही हैं जिसमें हरियाणा झारखंड और महाराष्ट्र है अगर इसमें से दो स्टेट्स भी ये हार के बीजेपी वाले तो ये अलायंस सम... ज़्यादा लंबा फिर चल नहीं पाएगा सर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कहा कि हम हमें भितरघात हुआ है और हमारा आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा आप मानते हैं कि जो पंजाब में परिणाम आए हैं वो इसीलिए आए क्योंकि वहाँ गठबंधन नहीं था देखो मैं समझता तो, हूँ टैक्टिकली हमने गलती की पंजाब ने हमने पहले इनको प्री वॉर्न कर दिया था कि वी शुड नॉट टच आप इवन विद विदार्ज पोर्ट वी हैव सक्सीडेड हम साथ जीते आप तीन पर आ गई या तेरह जीरो की बात इनका चीफ मिनिस्टर करता था अगर दिल्ली में भी हम ना इनके साथ समझौता करते मिनिमम दिल्ली में तीन से चार सीट हमें आती क्योंकि आप देखिए सराउंडिंग स्टेट्स जो हैं दिल्ली की राजस्थान में पच्चीस में से ग्यारह बारह हम ले गए यूपी में तरतालीस ले गए अस्सी और हरियाणा में पाँच सीट हम ले गए और मैं समझता हूँ हरियाणा की भी एक कुरुक्षेत्र की सीट हमें आ जाती तो मैं समझता हूँ तो ये अच्छा ही हुआ ये इनके साथ क्योंकि इनका और हमारा वोट बैंक की और इनका हमें नुकसान ही हुआ फ़ायदा कुछ नहीं किया दिल्ली के लोगों ने बेसिकली केजरीवाल को रिजेक्ट किया कांग्रेस को नहीं किया तो दिस वी हैव आल्सो रियलाइज्ड